अस्सलाम वालेकुम। दस्तरखान के रौनक में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। ये देखिए, ये मैंने चिकन लिया है 1.5 किलो, उसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। आज इसको हम शादी स्टाइल चिकन कोरमा तैयार करेंगे। 3 बड़ी प्याज को लेके मैंने इसको कट कर लिया है, 1 बड़े टमाटर को लेकर मैंने कट कर लिया है। इन दोनों का पेस्ट तैयार करेंगे। 100 ग्राम दही ले ली है मैंने, 3 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 जावित्री का फूल लिया है, इसको मैंने तोड़ लिया है, 4 लौंग हैं, 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हमारा ज़ीरा है, 4 लौंग के पत्ते हैं, 1 टीस्पून भरकर हमारा रेड चिल्ली पाउडर है, 1/2 टीस्पून से ज़्यादा हमारा गरम मसाला पाउडर है, स्वाद के अनुसार नमक है। 1 छोटी प्याज को लेकर मैंने इस तरह बारीक कट किया है, इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैंने खोपरा ले लिया है, ये देखिए, गोला गरी भी आप ले सकते हैं, 2 टुकड़ा मैंने लिया है। 1 टीस्पून हमारा खसखस है, 1 टीस्पून चारों मगज है, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे मिक्सर जार में। फूल मखाने लिए हैं मैंने थोड़े से, और थोड़े से काजू हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम जार लेंगे और उसमें खसखस, चारों मगज और गोला गरी को कट करके डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट, बिल्कुल महीन पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने भगोना में तेल डाल रखा है, ये हमारा 120 ml के करीब ऑयल है, गर्म होने देंगे इसको। सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे, इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें ये सारे खड़े गरम मसाले हम डालेंगे, थोड़ा हिलाएंगे। ये मैंने पेस्ट तैयार किया है, गोला गरी खसखस और चारों मगज का। सबसे पहले हम ऑयल में ये डालेंगे। अब इसको हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, ये थोड़ा दानेदार भी हो गया है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, इसको भी बस हम 1/2 मिनट ही भूनेंगे, फुल फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। ये पेस्ट है प्याज और टमाटर का, ये मैंने मिक्सर जार में इसको पीस लिया था, मिक्स कर लेंगे और अपना चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा। अब मैं इसमें गरम मसाला छोड़कर रेड चिली पाउडर और नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार हमारा नमक है। गरम मसाला पाउडर हम बचाएंगे, इसको हम बाद में डालेंगे। दही भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। इन सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें फुल फ्लेम पे पकाना है अभी। ये देखिए, तब तक वो पक रहा है, हम अपने गोल्डन प्याज को थोड़ा सा मैं फूल मखाना डाल रही हूँ। मैंने यहाँ 1/2 डाला फूल मखाना, इसमें मैं काजू भी ऐड करूँगी। ये देखिए, इसको हम जार में बिना पानी के ही चलाएंगे,
और जो बचे हुए काजू है इसको मैं हाफ कर लूंगी चाकू से। ये देखिए काजू मैंने हाफ कर लिया, इसको हम साइड कर देंगे और इन सभी को हम मिक्सर जार में डालेंगे। इसको हम बस आधे मिनट ही जार में घुमाएंगे, इसको बस हमें थोड़ा ही घुमाना है, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं घुमाएंगे। बस काजू और ये हमारा दरदरा सा हो जाए, फूल मखाना प्याज, बस इसको हम उतना ही मिक्सर जार में चलाएंगे। चिकन को हम चेक कर लेते हैं, इसको आप फुल फ्लेम पे ही पकाना क्योंकि प्याज और टमाटर में काफ़ी पानी रहता है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मैं यहाँ थोड़ा मीडियम फ्लेम कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे चिकन पकने तक। ये देखिए मैंने इसको बिना पानी के ही मिक्सी में चलाया है। ये देखिए ये थोड़ा दानेदार दरदरा सा हो गया है, हमें इसी तरह इसको तैयार करना था। अब हम ये गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे, इसको हम डालेंगे चिकन पकने तक, अभी साइड करेंगे। चिकन को भी चेक करना है हमें ताकि ये पका है या नहीं। मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए फुल फ्लेम पे अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनेंगे तक कम से कम 5 से 10 मिनट अच्छे से हम इसको भून देंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, इसको मैंने भूना है, इससे तेल भी अलग हमारा चिकन से हो गया है, मसालों से। चिकन भी हम चेक कर लेते हैं ये पक चुका है या नहीं। देखिए काफ़ी गर्म है, इसको मैं चाकू से ही चेक करूँ, ये हमारा अच्छे से पक चुका है। हमारा इतना ही चिकन कुक होना चाहिए। अब मैं यहाँ काजू फूल मखाने और प्याज का दरदरा पाउडर डाल रही हूँ, गरम मसाला भी इसी में ऐड है। इन सभी को मिक्स कर लेंगे, ऊपर से काजू और फूल मखाने आधा जो मैंने बचाया था वो भी डालेंगे। बहुत बढ़िया हमारा चिकन कोरमा बना है, इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं यहाँ थोड़ा पानी डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए, ये हमारा अच्छे से भुन चुका है और चिकन भी हमारे पक चुके हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, मगर मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए इसलिए मैं थोड़ा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। और आप इसको ऐसे ही तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ चुकी है। ऊपर से मैं 1 चम्मच भरकर देसी घी ऐड कर रही हूँ। ये हमारा बनकर रेडी है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको ही थोड़ा देर इसी में रहने देंगे। ये देखिए ये हमारा चिकन कोरमा शादी स्टाइल बनकर तैयार है। इसको हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। इस तरह से आप बनाइए। मैंने एक हरी मिर्च काट कर गार्निश कर ली है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा
गार्निश के लिए धनिया कटा हुआ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ काजू 2 पीस को कट करके डाल लिया है। इस तरह से आप बनाइए, काफ़ी इजी रहता है बनाने में। हमारी डिश आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब।